हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आहूजा का 2020 का न्यू डीजे सेटअप के बारे में। और ये आपका दूसरा वीडियो बन रहा है, पहला वीडियो का बना दिया हूँ। और उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो के जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको चेंज दिखने को मिलेगा डीजे सेटअप में। क्या क्या चेंज दिखने को मिलेगा, चलिए सिंपली बात कर लेता हूँ। देखिए, आपको आहूजा का दो बेस दिखने को मिल रहा है, जो कि इसका मॉडल SWX आपका 810, ये आपको मॉडल हम जानते होंगे अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो। वो टॉप जो कि आपको पता होगा, जो कि इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज दूर करने वाला हूँ टॉप बॉक्स का, तो इसमें आपको थोड़ा चेंजिंग दिखने को मिल जाएगा टॉप बॉक्स में। और मैं इस टोटल सेटअप के लिए मैं 1 ML पर लगाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट के। अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको प्राइस भी नहीं पता चलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना उसको दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहला मिलता जाए। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी सेकंड चैनल भी है, उसमें आपको ओनली से डीजे सेटअप वीडियो देखने मिलेगा, तो उस चैनल पर जाइए, उस चैनल में आपको पूरा सेटअप भी आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका आपको ये टोटल सेटअप दिखने को मिल रहा है, हालांकि इसे आपको जानते होंगे इस सेटअप को, तो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। तो चले सिंपल एक एक का थोड़ा थोड़ा बहुत स्पेसन बताऊंगा और डाइट पॉइंट पर बताऊंगा। तो चले कौन सा एम्पलीफायर लगाए हूँ, एक ही एम्पलीफायर में इसमें दोनों बजे में चारों बज जाएगा। तो चले सबसे पहले बात करेंगे आहूजा का, जो कि बेस जो कि बेस का मॉडल नंबर SWX 810, ये आपका मॉडल हो जाता है। इसका आर्मेस पार की बात की तो आपका 800 वाट का आर्मेस पार देता है। इसका प्रोग्राम पार आपका 1600 वाट प्रोग्राम पार है। और इसका फ्रीक्वेंसी आपका 38 से 200 हर्ट्ज तक दिया है। और इसका 8 इंची का एक ही स्पीकर लगा होता है। इसका वॉइस कॉल की बात की तो 4 इंची के वॉइस कॉल में दिया है। और इसका ATM में काम करेगा। और इसका वेट आपका 55 kg आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आहूजा का टॉप बॉक्स। तो टॉप बॉक्स का शायद आपको पता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया आहूजा ने, जो कि इसका पहले का मॉडल आपका SRX 1210 रखा था, लेकिन अब का मॉडल आपका SPX 1210 दिखने को मिलेगा। हालांकि इसमें आपको थोड़ा चेंज दिखने को मिलेगा, बाकी सब सेम टू सेम वैसा ही। आपका 15 इंची का 2 स्पीकर लगा हुआ है। और इसका एक एक स्पीकर का 500+500 लगा होता है, तो लगभग आपका 1000 वाट का एक टॉप बॉक्स बनता है। तो चले और स्पेशल नहीं बताऊँगा, आप डायरेक्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, आपको सेटअप इस तरह दिखने को मिलेगा, दो बेस और दो टॉप। तो इसके लिए मैं कौन सा एम्पलीफायर लिया हूँ, जो कि एम्पलीफायर में चारों बॉक्स बच जाएगा। तो इसके लिए मैं एम्पलीफायर लिया हूँ C18, जो कि साउंड स्टैंडर्ड का C18। तो इसमें किस तरह बजेगा और किस तरह मैचिंग होगा नहीं, चलिए बात कर लेता हूँ। देखिए, आपका A2 में आपका 1150 वाट C18 में एम्पलीफायर में दे देता है पर्सनल। और इसका 4 ओम में आपका 1750 वाट पर्सनल लोड देता है। और 2 ओम में बात की तो आपका 23 वाट पर्सनल आपको लोड देता है। और इसमें आपको किस तरह बजाना है, चलिए सिंपली बात कर लेता हूँ। इसमें अगर बेस बजाना है तो 4 ओम में आपका देखिए 800+800 आपका 1600 वाट हो जाता है। ये आपका 4 ओम में आराम से काम करेगा, लेकिन इसमें आपको दे 1750 वाट। तो इधर आपको एक चैनल में दो बेस बजा दीजिए, मतलब लगा दीजिएगा। और जो कि टॉप बच जाता है, जो कि आपका 2 ओम में काम करेगा। तो इसमें आपको किस तरह लगाना हो, चलिए सिंपल बात कर लें। देखिए, आपको 2 ओम में आपका मतलब 23 वाट लोड देता है लगभग। तो इसमें आपको 2 ओम में आप आराम से बजा सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉप बॉक्स आपका 2000 वोल्टेज का हो जाता है। तो इसमें नॉर्मली बजा सकते हो और आप बज भी जाएगा। तो चलिए मैं इसमें और भी डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें आपको C18 जो कि आपको स्पेशल दिखने को मिल रहा है, इसमें आपका पुराना मॉडल का सी मतलब ये है, इसका और भी नया मॉडल आ चुका है जो कि C18 का। उसमें आपको A2 में आपका लगभग 1200 वाट दिखने को मिलेगा, और 4 ओम में लगभग आपका 1900, और 2 ओम में आपका लगभग 2400 वाट। इस तरह आपको स्पेशन दिखने को मिलेगा। आप लोग अभी नहीं कहेंगे कि इसमें आपका रॉन्ग बता रहे, स्पेशन इसमें लोड ज़्यादा देता है। तो आपको दो मॉडल अभी मत C18 का आया है, तो इसीलिए मैं दोनों का बता दिया। तो चले अब आप जानते हैं इसका टोटल सेटअप का प्राइज, तो प्राइज कितना पड़ेगा। तो चले सिंपली बात करेंगे दो बेस का प्राइज कितना पड़ेगा और दो टॉप का। तो बेस का एक का लगभग आपका 23 से 24 हज़ार के बीच में आता है। इसका कन्फर्म प्राइस मुझे पता है नहीं, लेकिन इतने दोनों के बीच में आ जाएगा। तो चलिए मान के चलते हैं 23 हज़ार एक का बेस, और अगर दो का कीजिएगा आपका 46 हज़ार रुपया पड़ जाएगा दो का। और चलिए टॉप का, तो टॉप का प्राइस एक का लगभग पड़ जाता है आपका 30 से 34 हज़ार के बीच में पड़ता है। इसका भी कन्फर्म प्राइस नहीं बच सकता, लेकिन इसके बीच में चल के मान के चलते हैं जो कि 32 हज़ार। तो 32 हज़ार का एक प्यार और मतलब एक टॉप बॉक्स, और दो का कीजिए आपका 64 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। और एम्पलीफायर का आ जाता है, जो पहले का एम्पलीफायर पर प्राइस आपका 38 या 39 रुपया था, लेकिन अब आपका घट चुका है, जो कि 35 से 36 हज़ार रुपया में पड़ जाएगा ये एम्पलीफायर। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा प्राइस कम करके मतलब मान लेते हैं जो कि 35 हज़ार। तो टोटल का आपका पड़ जाएगा 1,46 हज़ार रुपया पड़ जाता है टोटल से, मतलब डीजे सेटअप का। तो ये आपका 1.5 लाख के आधा ही मतलब कम ही है, मतलब आपको ये आपको टोटल पड़ जाएगा इतना। तो मान लीजिए 1.5 लाख ही मान लेते हैं, और भी एक मिनट जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं, तो आपको इतना भी पड़ जाएगा। तो इस तरह पर डे सेटअप बनाएंगे, आपका बजेगा अच्छा और आपका साउंड क्वालिटी आपका बेहतर देगा, क्योंकि न्यू डीजे सेटअप है तो अच्छा साउंड आपको मिलना ही मिलना है। तो चले और आज का वीडियो यहीं तक, और चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चले, थैंक्स फॉर वॉचिंग।